हमारा सूरज एक है और चांद भी, हमारी धरती एक है और आसमान भी, लेकिन हमारी नजर में इसके बनाने वाले शायद अलग अलग हैं। कोई कहता है कि ये दुनिया राम ने बनाई है और कोई कहता है कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है और बहुत से लोगों का कहना है कि ये दुनिया वाहे गुरु जी ने बनाई है और कुछ लोग मानते हैं कि ये दुनिया जीसस ने बनाई है। सच क्या है कोई नहीं जानता, बस कुछ किस्से कहानियाँ सुनकर हम अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। कभी कभी तो उन किस्से कहानियाँ सुनाने वालों को ही हम अपना भगवान समझ लेते हैं। हमारे वश में है न मृत्यु, तो जीवन और मृत्यु के बीच का सफर हमारे वश में कैसे हो सकता है? इसलिए जीवन मृत्यु के जाल से मुक्त हो जाओ। ईश्वर जैसे चाहता है वैसे ही जियो, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। पटेल, गुरुदेव, कपूर, गुरुदेव, पूरे 2 साल दोनों मिलकर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा। जय गुरुदेव। हाँ माता जी, मैं गुरुदेव से पूछ कर बतलाता हूँ। गुरुवार 4:37, गुड़ और काले तिल। मेहता जी, गुरुवार 4:37 पे फोन कीजिए आप और फोन के नजदीक गुड़ और काले तिल रखिएगा। हाँ बोलो पटेल। गुरु जी, आपकी कृपा से सातारा और धनबाद का यूनिट शुरू हो गया है और प्रॉफिट भी। कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, बात यह है कि। बोलो बोलो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से एक नया बंगला खरीदा है। इच्छा सिर्फ इतनी है कि आपके चरण अगर मेरे घर में पड़ जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वजह से गुरुजी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और तुम्हें पता है ना कि गुरुजी किसी के घर पे नहीं जाते, फिर भी तुमने गलत किया उब्राय, बहुत गलत किया। गुरुदेव, वो बाली के चरण पुष्प। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव। आऊंगा। गुरुदेव, आज की रात विश्राम और भोजन तुम्हारे यहाँ ही होगा। गुरुदेव, आप खुश रहो। बालिके चरण पुष्प। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी श्री आसानंद महाराज की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी श्री आसानंद महाराज की जय। तो
ओबेरॉय साहब जरा शीघ्र कीजिए। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए आप। कपूर ठीक है बंगलो, आओ देखते हैं। चरण रखिए गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, आइए। ये मेरी धर्मपत्नी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ये इस घर में काम करती है, कमला। जी गुरुदेव। एक और आए। जी गुरुदेव। पता रही है? अच्छा शगुन है ओबेरॉय जी। जी गुरुदेव, पधारिए पधारिए गुरुदेव, पधारिए।